आप एक माँ होकर एक माँ को उसकी बच्ची से दूर कैसे रख सकते हैं? बहुत हुआ, मुझे मेरी बच्ची तक पहुंचने का रास्ता दिखाइए माता रानी, हिम्मत दीजिए मुझे। बच्ची को नर्मदा मैया के बहते हुए पावन जल में स्नान कराइए, संकट दूर हो जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। यही एक तरीका है, आगे आपकी इच्छा। चलता हूं। हिम्मत दो मुझे। क्या करेंगे मम्मी, हम जबलपुर नहीं जा सकते। कहीं ऐसा ना हो कि तारा ने जो तस्वीर बनाई है वो सच हो जाए। चूक तो हुई है माँ, मेरी बेटी का जन्म जबलपुर में हुआ और हमने नर्मदा मैया का आशीर्वाद तक नहीं लिया। अगर मेरी बेटी की सेहत के लिए हमें नर्मदा मैया का आशीर्वाद लेने जबलपुर जाना पड़े तो हम जाएंगे। रास्ता ठीक क्या? मेरी और ओमकार की कहानी शुरू हुई थी नर्मदा घाट से। अब नर्मदा मैया के पास ही मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे मुझे। अब वही दिखाएंगे मुझे रास्ता। हर हर में जैसा क्यों लगा जैसे आप मेरे पास हो? मन अजीब सा हो रहा है मेरा। आप ठीक तो हो ना मेरी बच्ची? पर्दा ठीक करो। दादी यहाँ भी पर्दा? यहाँ तो कोई भी नहीं जानता मुझे, तो फिर किसकी नजर लगेगी? बेटा यहाँ का मौसम वहाँ के मौसम से अलग है ना, तो आपकी तबीयत खराब ना हो जाए इसलिए। दादी ये वही घर है ना जहाँ मेरा बर्थ हुआ था? मेरी मम्मा भी इसी घर में रहती थी ना पापा के साथ। तारा मेरा बच्चा थक गया है ना? माँ तारा को आप अंदर ले जाओ। चले क्या जानकारी है सर? इस फाइल में सब कुछ लिखा है सर, हमने पता लगाया। आजकल उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, वो अक्सर बीमार पड़ जाती हैं, इसलिए ज्यादातर समय घर पर ही रहती हैं। सर शुरुआत में उन्होंने आपको और तारा बेबी को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब हार मान ली। किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि मैं यहाँ आया। गाड़ी भी घर से दूर पार्क करो, सबको यही बोलो कि घर बिक रहा है और कोई नया खरीदार उसे लेने आया। इसलिए हम लोग भी घर के पीछे के दरवाजे से अंदर जा रहे हैं,
ताकि किसी को पता ना चले। सिर्फ दो दिन की बात है, उसके बाद मैं अपनी बेटी को वापस सिंगापुर ले जाऊंगा। सर तारा बेटा, कहा है ना अपनी मम्मा के बारे में बात मत करना, पापा को दुख होता है। आपकी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं है ना, भगवान के पास चली गई हैं। सॉरी दादी, सॉरी पापा। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, आपको पता है यहाँ ना बहुत यमी यमी आइसक्रीम मिलती है, आप खाओगी? मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, मैं जलेबी खाऊंगी। जलेबी तो मेरी फेवरेट है, आपको कैसे पता? आपको यहाँ की जलेबी के बारे में किसने बताया? भैया जी, पंडित जी आए हैं। उम्मी, मैं हमारी मुनिया के लिए जलेबी बनवा दूंगी, तू जा जाके पंडित जी से मिल ले। ये दादी जलेबी बनाएंगी, तारा मुझे से खाएगी। दादी जलेबी बनाएंगी, तारा मुझे से खाएगी। मेरा प्यारा बच्चा। पापा, मैं बाकी घर देख लूं। ठीक है, आप इन्हें ले जाइए और बाहर कर दिखाइए। जाओ। यहाँ आने के बाद इतने सारे सवाल कर रही है ये, और मैं डर लग रहा है कि कहीं यहाँ आना हमारे लिए भारी ना पड़ जाए। नहीं माँ, कल पंडित जी को बोल के महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे तारा को नर्मदा मैया में स्नान करवा के हम वापस चले जाएंगे। वैसे भी वहाँ पापा अकेले हैं, जल्द से जल्द हमें वापस आना होगा। हाँ, बस भगवान ना करें मयूरा का साया भी मेरी बच्ची पर पड़े। पापा, मेरी तबीयत ठीक है, नर्मदा मैया का आशीर्वाद लेकर मैं सीधा घर आ जाऊंगी, और निशा है साथ में, आप टेंशन मत लीजिए। बाय बाबा। मयूरा, अभी नर्मदा मैया की पूजा, फिर कल शिवरात्रि के लिए भी तू आज रात से ही व्रत और उपवास करेगी, मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। मेरी बच्ची को पाने के लिए मैं पूरी जिंदगी व्रत और तप करूंगी, मेरी बच्ची बस मुझे मिल जाए वापस। आपसे कहा है ना, बाहर धूप बहुत तेज है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब एक काम करिए, आप नीचे घर में ही खेल लीजिए, ठीक है? माँ, तारा को नीचे ले जाइए और उसके साथ कुछ खेल लीजिए प्लीज। हाँ हाँ, मुनिया चले। तो हमारी नन्ही सी परी क्या खेलेंगी? हमारे पास लूडो है, कैरम है, हाइड एंड सीक खेले दादी, न्यू स्टाइल वाला। मतलब भैया, ऑटो रुकी, ऑटो रुकी। क्या हुआ मयूरा, तू तो सेम वैसी ही कांप उठ रही है जैसे पहले ओमकार के आसपास होने से कांप उठती थी। यही है ना ओमकार का घर, शायद इसीलिए तुझे कुछ लगा होगा। भैया,
प्लीज प्लीज यहाँ से जल्दी चलिए भैया, चलिए ना। मैडम जी ऑटो बंद पड़ गया। अरे चाय चाय कीजिए ना भैया, जल्दी चलिए यहाँ से बस। आप दूसरा ऑटो कर लो मैडम, मेरा ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये रिक्शा को भी अभी शुरू नहीं होना था। हरमदा भैया भी जितनी परीक्षा ले पा रही है ले रही है।